यूपी के सहारनपुर से बड़ी खबर, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की सहारनपुर में सेफ लैंडिंग हुई है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सबसे पहले आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। एयरफोर्स की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। सहारनपुर के रामपुर मनिहारान थाना इलाके का मामला है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का यह हेलीकॉप्टर है जिसकी सेफ लैंडिंग करवाई गई है। डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, पूरी जानकारी दीजिए। लेकिन निश्चित तौर पर सहारनपुर के अंदर ये लैंडिंग की गई है ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है इंडियन एयरफोर्स का। और ये इंपॉर्टेंट बात ये कि ये रूटीन मिशन पे था, और इसी के बाद इसी रूटीन मिशन के दौरान इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद इसकी प्रिकॉशनरी लैंडिंग करा दी गई है। यानी पहले से ही इसको लैंड करा दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। और अभी हालांकि इसकी जांच जारी है, अधिकारी जो है इंडियन एयरफोर्स के मौके पे मौजूद है करूंगा, और ये जांच की जा रही है कि आखिरकार ऐसी क्या तकनीकी खराबी आई थी जिसकी वजह से ये प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई गई करूंगा जी। अच्छा सुमित, क्या अभी जिस हेलीकॉप्टर का हम जिक्र कर रहे हैं जिसकी सेफ लैंडिंग करवाई गई है, क्या अभी ये वहीं पर मौजूद है या फिर यहां से रवाना किया जा चुका है? क्या अभी है, क्या स्थिति वहां पर? देखिए अभी स्थिति ये है कि प्रिकॉशनरी लैंडिंग के बाद लगातार इसको जो इंडियन एयरपोर्ट के जो आला अधिकारी है वहां पर जो टेक्नीशियन है वो उसकी जाँच कर रहे हैं, और उसके थोड़ी देर बाद ही इसको वहां से हटाया जाएगा करुणा जी। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि यूपी के सहारनपुर का यह मामला, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का यह हेलीकॉप्टर और सेफ लैंडिंग कराए गए, कोई टेक्निकल खराबी की बात सामने आई है, अधिकारी मौके पर। शुक्रिया आपका सुमित, पूरी जानकारी के लिए। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के? क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।